खास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में कल से दूसरा फेज, पानीपत से एंट्री, करनाल कुरुक्षेत्र से अंबाला से। चंपत राय ने की राहुल गांधी की प्रशंसा, बोले सबको पदयात्रा कर भारत का अध्ययन करना चाहिए। पटना में कोचिंग से लौट रही छात्रा से गैंगरेप, दोस्त ने चार लोगों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर में रिपब्लिक डे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सीमा से सटे इलाकों पर 2 महीने के लिए लगा नाइट कर्फ्यू। कंजावाला कांड पर पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने पुलिस की कार्रवाई पर तराली पर सवाल उठाए, कहा लोगों में खौफ नहीं है। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव के घर पर भीड़ का हमला, आगजनी और वाहनों में तोड़फोड़। ₹1500 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने दाखिल किया आरोप पत्र, कोलकाता में 60 लाख नकदी जब्त। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 जनवरी से बढ़ सकता है पार्टी अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, बोले महिला स्वयं सहायता समूहों को वन्य प्राणी संरक्षण से जोड़ना प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, 2 कोच के शीशे टूटे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, बोले बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट, लौट आया है जंगल राज। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू पर किया वार, बोले साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर लोगों को बरगाला गया। सियाचिन में पहली बार महिला अफसर तैनात, दुनिया के सबसे खतरनाक पोस्ट पर ड्यूटी करेंगी कैप्टन शिवा चौहान। उत्तर भारत में शीतलहर जारी, पहाड़ों और ज्यादा बर्फबारी के आसार, हालात और बिगड़ेंगे, यूपी में रेड अलर्ट। बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस की जान को खतरा, मिली जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा। लखनऊ में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इन्वेस्टर समिति में ब्रांडिंग होगी, देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 14 छात्र निष्कासित, 14 दिन पहले 2 गुटों में हुई थी मारपीट। सौतेली मां ने बच्ची को नाखूनों से नोचा, पैरों पर भी मारे डंडे, चेहरे गले पर निशान, पिता को देखकर फूट फूट रोई। कानपुर में ठंड से दम, 10 ने तोड़ दिया प्रदेश में सबसे ठंडा कानपुर, 50 साल का टूटा रिकॉर्ड, 36 जिलों में 8 तक कोल्ड वेव का अलर्ट।
रंगनाथ मंदिर में चल रहा बैकुंठ उत्सव, वट पत्र पर विराजमान भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा में भक्तों ने लगाया जय घोष। अपराधिक घटनाएं रोकने को 9/5 सेक्टर में बांटा एसपी, बोली क्षेत्र में घटना होने पर भीट के दरोगा सिपाही होंगे जिम्मेदार। फिरोजाबाद में कपड़ा व्यवसायी की हत्या के आरोपी पत्नी गिरफ्तार, हत्या कर नाले में फेंका था शव, पति के व्यवहार से थी परेशान। लखनऊ में नौकरी दिलाने के नाम पर रेप, फेसबुक से हुई थी दोस्ती, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल। कांस्टेबल के बेटे की हत्या में 8 स्टूडेंट अरेस्ट, कानपुर में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई थी छात्र की मौत, दोस्तों पर हत्या का आरोप। घर बैठे देखे अपने बाबा विश्वनाथ को, 6 महीने से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था चल रही थी, बंद दोबारा शुरू की गई। तराई में ठंड करा रही शिमला का एहसास, बहराइच में ठंड से थरथर कांप रहे लोग, न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस। गोंडा में सोते रहे थाना प्रभारी और होता रहा अवैध निर्माण, एसडीएम और एसपी का आदेश भी बेअसर, कैसे मिलेगा पीड़ितों को न्याय। उन्नाव में दलित परिवार को दबंगों ने पीटा, एसपी से शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार, बोले थाने ने दरोगा को भगाया। बुलंदशहर में हरियाणा व मुंबई की आयकर टीम की छापेमारी, मीट व्यापारी अब्दुल हकीम का खंगाला घर, जरूरी दस्तावेज लेकर गए। माघ मेले को लेकर रायबरेली का परिवहन विभाग अलर्ट, 75 बच्चों का रोज होगा संचालन, अलग अलग रूट से गुजरेंगी बसें। औरैया में ट्रेन की चपेट में आने से वेंडर की मौत, ट्रेन से उतरते समय पैर फिसल गया, इलाज के दौरान हुई मौत। भदोही में लोगों के प्रदर्शन के बाद आरपीएफ सतर्क, कहा रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी कार्रवाई, बताएं नियम। हापुड़ की गौशाला में गौवंश को उड़ाए जा रहे कंबल, जिले में 36 गौशालाएं, डाइट में गुड़ और खल की मात्रा बढ़ाई गई। मुजफ्फरनगर में शीतलहर का प्रकोप, 98% पर पहुंची आर्द्रता, 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा सुबह का तापमान। बाराबंकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 अंतर जनपदीय मार्फिन तस्कर गिरफ्तार, 5 करोड़ की मार्फिन भी बरामद की गई। फिरोजाबाद में भीख मंगवाने वाली चाची गिरफ्तार, बच्चों से मंगवाती थी भीख, पुलिस ने बच्चों को किया रेस्क्यू। संभल के एनएच 509 पर आया तालाब का पानी, रपक कर चोटिल हो रहे वाहन चालक, हादसे का वीडियो वायरल। एसपी ने किया बड़ौ शहर में देर रात पैदल गश्त, पुलिसकर्मियों को दिए ड्यूटी में लापरवाही न बरतने के निर्देश। देवरिया में छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक कर भागे, 7 पढ़ने वाला छात्र हिरासत में। सिद्धार्थनगर में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई, 2 घायल, कार और बाइक के आमने सामने भिड़ंत, गंभीर हालत में 2 बस्ती रेफर कर दिए गए।
कोऑर्डिनेटर रहे बसपा के वरिष्ठ नेता पवन गौतम का निधन, हार्ट अटैक से हुआ पवन गौतम का निधन। बुलंदशहर में बाइक सवार युवक से अज्ञात बदमाशों ने की लूट, 42,000 नकदी व एक मोबाइल और बाइक लूटकर फरार हुए। गोंडा में चोरों ने 3 दुकानों को बनाया निशाना, मौके पर पहुंची पुलिस, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने वांछित रॉकी यादव को किया गिरफ्तार, रॉकी पर शहर के कई थानों में दर्ज हैं संगीन केस। लखनऊ में छाबड़ा टेंट हाउस में लगी भीषण आग, सूचना पाकर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड में गंगोत्री हर्षिल में हुई बर्फबारी, कड़ाके की ठंड और शीतलहर अभी कुछ और दिन करेगी परेशान। नैनीताल में नहीं होगी बर्फबारी, लोहाघाट में पाले की सफेद चादर ने कराए बर्फ का एहसास। चमोली के जोशी मठ हालत चिंताजनक, शहर छोड़कर जा चुके 22 परिवार, 5 और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट। उत्तराखंड के नए वित्तीय वर्ष में घट सकते हैं शराब के दाम, नई आबकारी नीति पर काम कर रहा है विभाग। उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना में शामिल होंगे कुमाऊं मंडल के सभी जिले, तैयार हो रही है 500 करोड़ की योजनाएं। नेपाल की तरफ से फिर हुआ पथराव, तटबंध निर्माण के बीच शरारती तत्व ने 12वीं बार किया ऐसा। उत्तराखंड में परीक्षा में गड़बड़ी मामले में कार्रवाई, यूके SSSC के पूर्व अध्यक्ष सहित 6 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। हर घर नल से जल पहुंचाने में यूपी और झारखंड से आगे, उत्तराखंड जल जीवन सर्वेक्षण के आंकड़े जारी। उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ी 3% का इजाफा, CMI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तराखंड के पिंडकी गांव के एक घर में लगी भीषण आग, खतरे की जद में आधा दर्जन मकान। उत्तराखंड में चीन सीमा को जोड़ने वाले 2 पुल राष्ट्र को समर्पित, राजनाथ सिंह ने वर्चुअली किया उद्घाटन। आठ जनवरी से बारिश के आसार, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। संदिग्ध हालत में सड़क किनारे मिला श्रमिक का शव, पुलिस को ठंड से मौत होने की आशंका। उत्तराखंड नैनीताल में संदिग्ध परिस्थिति में युवक ने खुद को मारी गोली, तनाव में रहने की बात आ रही है सामने। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने को RPF और PSC की 5 कंपनियां तैनात, छावनी में बदला वनबुल पूर्वा। इमरान खान पर 4 शूटर्स ने चलाई थी गोलियां, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का खुलासा, एक गिरफ्तार, 3 के बारे में जानकारी नहीं।
यूक्रेन के हमले में मारे गए नवासी सैनिक रूस ने अपनी सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया। ख्वाजा आसिफ का जनसंख्या नियंत्रण का गजब फार्मूला, कहा जहां लाइट बंद वहां बच्चे कम पैदा हुए हैं। केविन मैकार्थी नहीं जीत पाए स्पीकर का चुनाव, 100 साल में पहली बार होगी दोबारा वोटिंग। यूक्रेन पर हुए हमले के वीडियो को डॉक्यूमेंट्री के तौर पर दिखाएगा रूस, पुतिन ने दिया आदेश। पीएम नेतन्याहू ने जरूरी मंत्रालय धूल दक्षिण पंथी नेताओं को सौंपे, इजराइल में यहूदी सोच कट्टर बनाई जाएगी स्कूल, सिलेबस बदला। भाई और पिता को वापस पाना चाहता हूं, प्रिंस हैरी ने कहा, राजशाही छोड़ी तो मेरे खिलाफ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। पूर्व आर्मी चीफ को इमरान का जवाब, कहा मैं प्लेबॉय था, खुद को कभी फरिश्ता नहीं बताया, सेक्स ऑडियो लीक बाजवा ने करवाया। अफगानिस्तान के मंत्री ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे चाहते हैं संबंध। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच कारों में भी हिजाब अनिवार्य, पुलिस ने जारी की चेतावनी। दुनिया की पहली फ्लाइंग बाइक की बुकिंग शुरू, इसकी शुरुआती कीमत 3.15 करोड़ रुपए। पोको ने लॉन्च किया सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6,249 रुपए में मिलेगी 5,000 एमएच की बैटरी। सिट्रोएन ने बढ़ाए अपनी कारों के दाम, 50,000 रुपए तक महंगी हुई C3 और C5 एयर क्रॉस। भारत पे के सीईओ ने दिया इस्तीफा, सुहेल समीर के पद छोड़ने के बाद कंपनी ने सीईओ अनिल नेगी को अंतरिम सीईओ बनाया। दुनिया के सेंट्रल बैंक हटाएंगे ब्याज दरें, बाजार को नुकसान पहुंचाए, बिना महंगाई कंट्रोल करने में जुटे नीति निर्माता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा, मशीनरी निर्माण को प्रोत्साहन के लिए नई योजना लगाएगी सरकार। ONGC इंडियन ऑयल और पावर ग्रिड सबसे ज्यादा मुनाफे कमाने वाली सरकारी कंपनियां बनी। HDFC बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी, डिजिटल सेवाओं को आधुनिक व सुरक्षित बनाने के लिए हुआ करार। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल को खरीदने पर नहीं बनी बात, टोरंट की अर्जी पर NGCTL ने उठाए कदम। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में 2023 में दावा, देश में 25-25 साल के 56% युवा काबिल, 50.3% लोग नौकरी पाने के लिए योग्य। शिवम अम्बी का ड्रीम डेब्यू, पहले T20 इंटरनेशनल में झटके, 4 विकेट, डेब्यू करने वाले तीसरे सबसे सफल गेंदबाज। चार साल बाद हुई वापसी, लेकिन मैच शुरू होने से ठीक पहले हो गए कोविड पॉजिटिव, टीम से दूर बैठ नजर बनाए रहे निशा।
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ट्रेंट बोल्ट ने जताई विश्व कप खेलने की इच्छा, बोली मैं वर्ल्ड कप से खेलना चाहता हूं जिससे मुझे उम्मीद है। धवन हैमलिन मैच के टकराने के बाद बेसुध होकर गिरे, सीपीआर देने पर नहीं उठा खिलाड़ी तो रोने लगे साथी। मोहम्मद आमिर के इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी का आया बयान, बोले दरवाजे खुले हैं। टीम इंडिया ने जीता साल का पहला टी20, श्रीलंका को 2 रन से हराया, हुड्डा प्लेयर ऑफ द मैच। यूनाइटेड कप 2023 में राफेल नडाल 3 सेट में हारे, नडाल की दूसरी हार, मिनोर ने पहली बार दी शिकस्त। महिला आईपीएल टीमों की होगी नीलामी, बीसीसीआई ने जारी किया टेंडर, कंपनियां 21 जनवरी तक खरीद सकेंगी डॉक्यूमेंट। सौरव गांगुली की आईपीएल में वापसी, दिल्ली कैपिटल्स में मिलेगा नया पद, फ्रेंचाइजी की तीनों टीमें संभालेंगे। महान फुटबॉलर के अंतिम दर्शन को उमड़े 2.3 लाख लोग, ब्राजील के दुनिया के सबसे 10 बड़े कमजिला कब्रिस्तान में हुए पेले का अंतिम संस्कार। कांतारा फेम किशोर का ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड, फैंस ने की एलन मस्क के अकाउंट रिस्टोर करने की मांग। डेटिंग की खबरों के बीच एक साथ दिखे तमन्ना विजय, नए साल का जश्न मनाकर वापस लौटे, मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। ट्रायल बाय फायर का ट्रेलर हुआ रिलीज, उपहार सिनेमा अग्निकांड की कहानी पर बेस्ड है सीरीज, नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। बॉयफ्रेंड संग दिल्ली घूमती दिखी ईशा गुप्ता, हाथों में हार डाले, दिल्ली की सर्दी का उठाए लुफ्त, फैंस बोले किसी की नजर ना लगे। अपनी दादी को याद कर भावुक हुए शार्क टैंक 2 के जज अनूप मित्तल, आग से जलने में हो गई थी उनकी मौत। बीजेपी नेता के आरोपों पर उर्फी जावेद का रिएक्शन, बोली ये लोग मुझे आत्मघाती बना रहे, मैं खुद को मार लूंगी। सीटाडेल सीरीज में सामंथा ने किया बैकआउट, टीम ने खबरों को बताया बकवास, जनवरी से शुरू होगी शूटिंग। मामूली रोल नहीं करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बोले कोई 25 करोड़ भी देगा तभी मैं छोटा रोल नहीं करूंगा। दिशा पाटनी ने शॉर्ट हेयर में करवाया ग्लैमरस फोटोशूट, बोले दिशा को पहचानना काफी मुश्किल हो रहा है। फिर एक्स हस्बैंड अरबाज के साथ हुई स्पॉट, मलाइका रेस्टोरेंट के बाहर आई नजर, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया ट्रोल। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।